हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए स्किन केयर की वीडियो लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं आज बताऊंगी कि आप जो है बदलते मौसम के साथ अपने फेस का स्किन केयर कैसे कर सकते हैं, अपनी स्किन को प्रेप कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने फेस को मेंटेन रख सकते हैं ताकि आपके फेस पर दाग धब्बे ना हो और आपके फेस पर जो आपका कलर है वो डाउन हो जाता है, यानी कि हमारा जो फेस है वो काला पड़ जाता है, वो सबकी प्रॉब्लम ना आए। तो आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ, आज का जो स्किन केयर लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और ये बहुत ही कम स्टेप में हो जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप जो है अपने फेस को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे अपने दाग धब्बों को रिमूव कर सकते हैं, वो भी घर की चीज़ों से। जी हाँ, आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है, क्योंकि मैं जो भी रेमेडी बताती हूँ होम रेमेडी बताती हूँ, बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं होने वाले हैं। इसको आपको जो है एवरी नाइट करना है। नाइट में आप इसको करते हो तो वेल एंड गुड है, और आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको डे में भी कर सकते हैं, लेकिन जो नाइट में इसका रिजल्ट होगा बहुत ही बेस्ट होगा। तो आप जो है इसको नाइट में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है और जी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके फेस पे पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी जो स्किन है ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। तो प्लीज़ आपको वीडियो को फुल देखना है, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर से करना है। और आने वाली वीडियो मेरी मेकअप पर होने वाली है, तो प्लीज़ आपको मेकअप से जो रिलेटिव वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको जो है एक बाउल लेना है, और उसमें आपको लेना है कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क। तो यहाँ पर जो है करीबन 1 से 1.5 चम्मच आपको जो है रॉ मिल्क लेना है अकॉर्डिंग टू फेस। आप चाहे तो नेक एरिया पर भी इसको लगा सकते हैं, आप चाहे तो अपने हाथों पर भी इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 1 से 1.5 चम्मच कच्चा दूध लिया है, और इसमें आपको लेना है पिंच भर के जो है हल्दी लेनी है, बहुत ही कम क्वांटिटी में लेनी है। देखिए, आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो वेल एंड गुड है, आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही कम क्वांटिटी जो है किचन वाली हल्दी की रखनी है, क्योंकि किचन की जो हल्दी होती है वो हमारे फेस को येलो मतलब कलर छोड़ जाती है हमारे फेस पर, तो इसलिए आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ ले ली है। देखिए, बहुत ही इजीली है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि दी आप कोई इजी सी आसान सी रेमेडी बताएं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। जी हाँ, कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो कि जॉब करती हैं, यानी कि उनके पास टाइम नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही कम स्टेप में और बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम में जो है आप इस स्किन केयर को कर सकते हो। और यकीन मानिए गाइस, आप इसको करते हो तो आपको ना ही फेशियल की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके गंदगी को जो आपके फेस पर दाग धब्बे हैं, साथ ही आपके फेस पर जो गंदगी है उसको भी अच्छे से क्लीन करेगी। आपके फेस में ओपन पोर्स की दिक्कत है तो उसको भी ठीक करेगी। तो ये अच्छे से दोनों चीज़ को आपको मिक्स करना है बहुत अच्छे से। और जी, आपको लेना है हाफ टमाटर, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपको टमाटर लेना है। तो यहाँ पर मैं जो है आपको दो तरीके बताऊंगी, आपको जो इजी लगे, आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो आप जो है यूज कर सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो है हाफ टमाटर लिया है, आप चाहे तो इसको जो है इसका जो लिक्विड है पल्प है वो इसमें ऐड कर सकते हो, तब जो है आप अपने फेस पर इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको जो है इसको डिप करना है इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ही ईजीली है। लेकिन आपको वीडियो को फुल देखना है, क्योंकि आपको इसको ही लगा के मतलब ऐसे ही नहीं रहने देना है, आपको फुल वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ अलग से बताऊंगी ताकि आपके जो दाग धब्बे हैं या आपके फेस पर जो लूज स्किन की प्रॉब्लम है या ओपन पोर्स या फिर ओपन पोर्स की दिक्कत है तो वो अच्छे से जो है रिमूव हो जाए, और आपका जो रंग है बहुत अच्छे से निखर के आए, आपका फेस बहुत ज़्यादा यंग एंड खूबसूरत दिखाई दे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इसको लगाना है। आप देख सकते हो, देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तब आप यहाँ पर, और आपको लेमन सूट करता है तो अब आप जो है यहाँ पर 1 से 2 ड्रॉप लेमन की या फिर आप जो है आधा चम्मच लेमन जूस इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो वो आपको सूट करता है, तो अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है? तो आपका फेस जो है, आप कुछ ना कुछ अपने फेस पर ट्राई करते रहते हो तो आप जो है सेम प्रोसेस करोगे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ वैसे आपको करना है। और इसको टमाटर को थोड़ा सा प्रेस आपको करना है जब अपने फेस पर आप अप्लाई करोगे, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रेस करते हुए आपको राउंड राउंड करके अच्छे से मसाज करनी है। देखिए, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 20 से 25 मिनट भी आप कर सकते हो, आपके पास कम टाइम है तो कम से कम 15 मिनट तो आपको इसकी मसाज करनी ही करनी है। इस तरीके से आपको अच्छे से इसकी मसाज करनी है, बहुत अच्छे से
इस तरीके से जितनी भी गंदगी है, धूल मिट्टी है, सब अच्छे से जो है रिमूव हो जाएगी। आप इस तरीके से इसको करते हो तो इस तरीके से आपको अच्छे से करना है, अच्छे से रिमूव करना है। इस तरीके से आपको करना है, बहुत अच्छे से डिप करना है और अपने फेस पर मसाज करनी है। तो यहाँ पर जो है 15 से 20 मिनट मसाज करने वाली हूँ। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम भी इसकी मसाज कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी मसाज है वो कंप्लीट हो गई है। और अब आपको क्या करना है, आपको अपने फेस को वॉश नहीं करना है। कम से कम 3 घंटे के लिए अपने फेस को इसको लगा कर रखना है। और आप नाइट में कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपके फेस पर, पिगमेंटेशन है तो आप इसको ओवरनाइट लगा के रखना, तब आपकी जो पिगमेंटेशन है एक हफ्ते में काफ़ी अच्छी लाइट अप हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। और बहुत अच्छे से ग्लो करेगी आपकी स्किन, बहुत अच्छे से टाइट बनेगी। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको कम से कम 2 से 3 घंटे करने वाली हूँ, क्योंकि मैं डे में वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है 2 से 3 घंटे अपने फेस पर इसको रखूँगी। लेकिन आप नाइट में कर रहे हो और आपके फेस पर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं यही कहूँगी कि आप इसको नाइट में करें, और ओवरनाइट आपको अपने फेस पर इसको रखना है। सुबह में जो है आपको अपने फेस को वॉश करना है। आप जो भी फेस वॉश सॉप या फिर मतलब जिससे भी आप फेस को धोते हो तो यहाँ पर जो है अपने फेस को धो देना है। और फिर उसके बाद या तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हो या फिर आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, जो भी क्रीम आप लगाना पसंद करते हो वो यहाँ पर आपको लगानी है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से आपकी स्किन जो है निखर कर आएगी और आपकी फेस पर कुछ भी प्रॉब्लम की नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको करना है अच्छे से, क्योंकि टमाटर हमने यूज़ किया है और टमाटर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है और हमारी स्किन को जो है बहुत अच्छे से मतलब जो पिगमेंटेशन होती है, दाग स्पॉट वगैरह होते हैं, इनसे कोसों दूर रखता है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर की जो है रेमेडी यहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आपको स्किन केयर करना है। स्किन केयर के ऊपर ऑलरेडी चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, आपने नहीं देखी है तो आप चेकआउट जरूर करना। इस तरीके से आपको इस स्किन केयर को कर लेना है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना। चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।